हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में कुछ वीडियो लेक्चर्स आ चुके हैं और जो फाइनल वीडियो लेक्चर आया है उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था वो थे फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स। मतलब उससे पहले वाले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, और जो आखिरी वीडियो हम लोगों ने देखा है, वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोगों ने जो फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए हैं। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सखा और मैं हूँ केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। तो बात करते हैं हम आगे वाले टॉपिक की, और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा, जो फैक्टर्स चल रहे हैं, कंसंट्रेशन फैक्टर चल रहा है, कंसंट्रेशन फैक्टर से ही रिलेटेड टॉपिक एक बचा हुआ है, दैट इज मॉलिकुलरिटी। तो हम बात करेंगे मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की। तो आप डालेंगे हेडिंग, उठाइए कॉपी और पेन और डालिए हेडिंग मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए बच्चों, मॉलिकुलरिटी होती क्या है? जैसे किसी भी रिएक्शन की बात करें तो मॉलिकुलरिटी को डिफाइन किया जाता है, जो मॉलिकुलरिटी रिलेटेड होती है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से रिलेटेड होती है। देखिए, ऑर्डर भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड था, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स और वो कंसंट्रेशंस जिन पर ऑर्डर डिपेंड करता था, मॉलिकुलरिटी में ऐसा नहीं है। मॉलिकुलरिटी को अगर आप डिफाइन कर रहे हैं तो पहले आप डेफिनेशन लिख लें मॉलिकुलरिटी की, फिर आपको हम समझाते हैं ये क्या है। मॉलिकुलरिटी में लिखेंगे, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन्स विच कोलाइड विद ईच अदर साइमल्टेनियसली टू गिव रिजल्ट इन टू अ केमिकल रिएक्शन। टू गिव रिजल्ट इन टू अ केमिकल रिएक्शन। देखिए, फुल स्टॉप के बाद एक पॉइंट और लिख लीजिए, जनरली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जनरली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अपीयर। जनरली इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अपीयर इन रिएक्शन, विच अपीयर इन रिएक्शन। मतलब ये है कि जैसे रिएक्शन में ये है रिएक्शन 2NH3 गिव्स N2+3H2। तो होता क्या है, यहाँ पर अमोनिया के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो मॉलिकुलरिटी को अगर हम एक्स से दिखा लें, हालांकि ऐसा कोई कन्वेंशन है नहीं, लेकिन यहाँ पर हम लेक्चर की सुविधा के लिए अगर इसको हम एक्स से दिखा लें, तो ध्यान दें अमोनिया के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलिजन्स से क्या होता है, इंट्रैक्शंस बनते हैं और फिर इससे रिएक्शन चलती है। तो यहाँ की जो मॉलिकुलरिटी मानी जाएगी वो दो मानी जाएगी। और एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो PCl5 हीट करने पर PCl3+Cl2। बेटा यहाँ पर अकेले PCl5 में ही चेंजेस होते हैं, टकराने की ज़रूरत नहीं होती है, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को अकेले PCl5 में ही चेंजेस होते हैं और रिएक्शन हो जाती है, इसलिए यहाँ पर X होगी 1। और एग्जाम्पल अगर हम लें जैसे कि 2HI गिब्स H2+I2, इस तरीके से यहाँ पर मॉलिकुलरिटी होगी 2। या एक दो रिएक्शंस और ले लेते हैं, SnCl2+2FeCl3, यहाँ बनता है SnCl4+2FeCl2। तो यहाँ पर जो मॉलिकुलरिटी होगी वो 3 होगी। कैसे, एक ये मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल्स ये हो जाएंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मॉलिकुलरिटी की इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन देने की क्या ज़रूरत थी, सीधे सीधे बोल देते कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हैं दैट इज मॉलिकुलरिटी। है ज़रूरत,
एक्चुअली ऐसी भी बहुत सारी रिएक्शंस आपको मिलेंगी जहां पर आपको रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल्स का, आयंस का या एटम्स का नंबर 3 से ज़्यादा मिलेगा। 10, 12, 50, बैलेंस रिएक्शन में 50, 100, मतलब बहुत सारी स्पीसीज हो सकती हैं, बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये हो सकते हैं, बट मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी ही नहीं बनती है कि 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक साथ टकराएं। देखो 3 तो टकरा रहे हैं, तीनों में इंट्रैक्शन तो हो रहा है इस तरीके से। जब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उनमें साइमल्टेनियस कोलिजन होने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो होती है। तो यहीं पे आप एक पॉइंट लिखेंगे, मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर मोर देन 3। ये सब लिखने के बाद, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन लिखने के बाद, एग्जांपल्स लिखने के बाद, आप लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर मोर देन 3। अच्छा, फिर उन रिएक्शंस का क्या जहां पर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स अपीयर होते हुए दिखाई देते हैं, है उनके लिए भी। बेटा जब आपको 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट्स के, मॉलिक्यूल्स आयंस या एटम्स जो भी अपीयर होते हुए दिखाई दें, तो वो रिएक्शंस एक स्टेप में नहीं चलती हैं, एक से ज़्यादा स्टेप्स में चलती हैं। दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, और जो पूरी रिएक्शन होती है दैट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये सिंपल रिएक्शन है। तो जो स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा था कि मॉलिक्यूलरिटी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के नंबर के बराबर होती है, तो अगर हम वहाँ पे ये लिखते फॉर सिंपल रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स विच अपीयर इन रिएक्टेंट साइट, तो ज़्यादा अच्छा होता। और फिर आप लिखेंगे ये सब करने के बाद, मॉलिक्यूलरिटी इज नेवर मोर देन 3। और फिर आप ये लिखेंगे देयर आर मैनी रिएक्शंस इन विच मोर देन 3 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपीयर, दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन मोर देन 1 स्टेप्स, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड दिस होल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फुल स्टॉप के बाद फिर आप लिखेंगे फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी को दिया ही नहीं जा सकता। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट डिफाइंड, इट इज गिवेन सेपरेटली फॉर ईच एलिमेंट्री रिएक्शन। मैं आपको एक आध रिएक्शंस दिखा देता हूँ जहाँ पर जो रिएक्शंस होती हैं वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में चलती हैं, वहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं होगी और वहाँ हर एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग दी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तभी होगी जब मॉलिक्यूल का नंबर 3 या इससे ज़्यादा होगा। 3 मॉलिक्यूल होने पर भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो सकती है। कॉम्प्लेक्स का मतलब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में चले, 3 या इससे कम, मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे तब भी रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में चल सकती है, तो वो भी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। वहाँ भी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होगी, हर एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग दी जाएगी। लेकिन ये बात तो पक्की ही है कि जब 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तब तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होनी ही है और वहाँ मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होगी। उस केस में हर एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को हम अलग अलग बताएंगे, ठीक है। तो यहीं से अगर हम ये डिफ्रेंशिएट करें कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में अंतर क्या क्या है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। देखो मॉलिक्यूलरिटी तो आपको क्लियर हो गई कि क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, तो आप चेक करिएगा। पहला डिफरेंस जो आता है वो यही होगा, मॉलिक्यूलरिटी में आप कहेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव रिजल्ट द केमिकल रिएक्शन, नंबर एक। और उधर आप लिखेंगे इट इज नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड, फुल स्टॉप के बाद आप उसी में लिख देंगे इट इज इक्वल टू सम ऑफ पावर्स रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन रेट लॉ। ये ऑर्डर में पहला डिफरेंस हो गया। दूसरे डिफरेंस में आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी में, दूसरे डिफरेंस में आप मॉलिक्यूलरिटी में कहेंगे इट इज डिटरमाइंड थ्योरेटिकली, जबकि ऑर्डर में आपको पता है इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, राइट। नंबर 3 आप लिखेंगे यहां पर मॉलिक्यूलरिटी में
मॉलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो, फ्रैक्शन जीरो और फ्रैक्शन और इन नेगेटिव, जबकि ऑर्डर इट कैन बी जीरो और नेगेटिव और इन फ्रैक्शन, ये भी पॉसिबल है। और नेक्स्ट आप बता सकते हैं, फॉर सिंपल रिएक्शंस मॉलिकुलरिटी जो होती है इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपीयर्ड, जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं है। ऑर्डर में इट मे बी इक्वल टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अपीयर्ड और मे नॉट बी, बस ये सारे डिफरेंसेस होते हैं इसमें मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में। तो ये भी एक टेबल आप बना लेंगे, एक तरफ आप डालेंगे मॉलिकुलरिटी, एक तरफ आप डालेंगे ऑर्डर, और ये चार पांच जो भी डिफरेंसेस मैंने आपको बताए हैं वो आप लिख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि चलो ये तो फैक्टर ही लगभग खत्म हो गया, अब क्वेश्चन ये बनता है या एक ऑब्जेक्टिव बनता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जनरेट करेगा। ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स में चल रही है, तो कैसे चलती है, हमें स्टेप वाइज स्टडी करनी है रिएक्शन की, उसी को हम कहते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अगली हेडिंग हमारी होगी रिएक्शन मैकेनिज्म, डालेंगे आप हेडिंग रिएक्शन मैकेनिज्म। देखिए बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझिए, जैसे हमारे सामने एक रिएक्शन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। अगर इसको हम थ्योरेटिकली देखें तो हमें ऐसा लगता है कि रिएक्टेंट साइड में N2O5 के दो मोल हैं, तो जो रेट होना चाहिए था वो प्रोपोर्शनल टू N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो रेट होता है वो N2O5 की जो पावर है 1, इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होती है, फर्स्ट ऑर्डर की होती है। दो मॉलिक्यूल्स दिखाई देने के बाद भी रेट केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह देखो वो आपको समझ में आएगी रिएक्शन मैकेनिज्म से। अच्छा, जहां पर हमने आपको मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस लिखाए थे, वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस रह गया था लिखने को। जैसे मॉलिकुलरिटी में एक पॉइंट हम लास्ट में लिख सकते थे, लिखना चाहिए था फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिकुलरिटी इज नॉट डिफाइंड, इट इज गिवन सेपरेटली फॉर ईच एलिमेंट्री रिएक्शन। और जबकि हम ऑर्डर में क्या लिखते, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऑर्डर इज डिफाइंड एंड इट इज गिवन फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ऑर्डर डिफाइंड है, और कहां से दिया जाएगा, ये दिया जाएगा उस स्टेप से जो स्टेप स्लोएस्ट होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। आप समझिएगा स्लोएस्ट से क्यों देते हैं, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। जैसे एग्जांपल हमारे पास है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। दो मॉलिक्यूल होने के बाद भी एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि रेट केवल N2O5 की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है। कैसे, मैकेनिज्म फिर इसकी दी गई। देखो मैकेनिज्म पहले नहीं आई, ऐसा नहीं कि मैकेनिज्म पहले आ गई थी, बेसिकली ऑब्जर्वेशंस पहले लिए जाते हैं और बाद में मैकेनिज्म को प्रपोज किया जाता है। तो बहुत सारी मैकेनिज्म दी गई N2O5 के डिकम्पोजिशन की, लेकिन वो मैकेनिज्म एक्सेप्ट कर ली गई जो उसके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को समझा सके। मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट यही होता है, मैकेनिज्म कोई भगवान थोड़ी ना हमें देके जाते हैं, ना गीता की किताब में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना किसी और धर्म की किताब में लिखा है कि भैया इस रिएक्शन की मैकेनिज्म ऐसी होगी। मैकेनिज्म कैसे देते हैं, मैकेनिज्म इज हाइपोथेसिस, बेसिकली ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं केमिस्ट्री में, और उन ऑब्जर्वेशंस को समझाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म प्रपोज की जाती हैं कि ऐसे ऐसे चल सकती है, ऐसा हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, और उसमें से वो वाला मान्य होता है जो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करता है। तो जो मैकेनिज्म इसकी वैलिड है, मान्य है, वो ये है कि N2O5 का एक मॉलिक्यूल टकराता है, टूटता है, बनाता है NO2 प्लस NO3, और ये स्टेप स्लो होता है। बाद में जो NO3 बना है ये N2O5 के दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है और 3NO2 प्लस O2, मतलब कुल मिला के अगर इसको ऐड करोगे दोनों स्टेप्स को तो ये आ जाएगा। अब ध्यान देना, मॉलिकुलरिटी अलग अलग दी जाएगी दोनों एलिमेंट्री रिएक्शंस की, ऑर्डर कहां से दिया जाएगा, फास्ट स्टेप से ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं है, ऑर्डर दिया जाएगा स्लो स्टेप से।
और स्लो स्टेप में N2O5 का केवल एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुआ, इसलिए जो रेट होगा N2O5 के जो पावर आएगी रेट लॉ एक्सप्रेशन में वो एक आएगी। दूसरा मॉलिक्यूल जो N2O5 का होता है वो फास्ट स्टेप में है, इसलिए उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अच्छा, फास्ट वालों को क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हैं? हम बताएंगे, परेशान मत होइए आप लोग, भरोसा रखिए। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO, ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट हैं, CO है और NO2 है। रेट CO पे डिपेंड ही नहीं करता है, NO2 की पावर 2 होती है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया। समझाया कैसे गया कि NO2 के दो मॉलिक्यूल्स, भाई NO2 जब आप CO के साथ ट्रीट करा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि कंटेनर में एक ही मॉलिक्यूल हो। स्लो स्टेप जो होता है पहले NO2 के दो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं और क्या बनाते हैं, NO प्लस NO3। एक मिनट रुकिएगा, यहां पर NO2 प्लस NO2 तो एक बनेगा NO, दूसरा क्या बनेगा NO3, और बाद में क्या होता है, ये जो CO होता है ये NO3 के साथ रिएक्शन करके बना लेता है यहां पर CO2 प्लस क्या बन जाएगा यहां पर NO2। तो इस तरीके से इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी। तो जो स्लो स्टेप है उसमें केवल NO2 और NO2 इसके दो मॉलिक्यूल हैं, तो जब दिखाया जाएगा रेट, तो रेट हम कैसे दिखाएंगे, प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ दिस वन की पावर 1 इनटू फिर से दिस वन की पावर 1। अब जब एक ही सब्सटेंस की पावर 1 और 1 दो जगह हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। और जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड है वो स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है ही नहीं, वो फास्ट स्टेप में है, इसलिए उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। तो ये होता है। अच्छा, अब हम समझते हैं कि स्लो स्टेप पे ही रेट क्यों डिपेंड करता है। देखो, सपोज दैट कोई काम चल रहा है, पूरा काम जो हमने माना वो बिल्डिंग बनने का काम चल रहा है, ये दीवार जो है ये बनाई जा रही है, इस पर इतनी बन चुकी है, चलो ये ब्रिक्स की चुनाई हो रही है, तो जानते ही होंगे ईंटें यहां पर लगाई जा रही हैं। एक तो यहां पर ये, इसको हम नाम देते हैं मिस्त्री, राज कारीगर जो ब्रिक्स की चुनाई करता है, और दूसरा हमने मान लिया ये बंदा है, ये ब्रिक्स के बीच में यहां पर एक पेस्ट लगाया जाता है सीमेंट और वो जो भी है उसको मिला के, सैंड वगैरह को मिला के ये वो मसाला तैयार कर रहा है, ये वो पेस्ट तैयार कर रहा है, राइट? मतलब रिएक्शन दो स्टेप में चलती है। एक में क्या होता है, पहले पेस्ट तैयार किया जाता है ब्रिक्स को चिपकाने के लिए, और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, ब्रिक्स चिपकाई जाती हैं। जरा हम ये मान लेते हैं ये स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है। अब ध्यान देना, दो बंदे हो गए ए और बी। ए बंदा पेस्ट बना रहा है ब्रिक्स को चिपकाने के लिए, और जो बी नाम का बंदा है वो क्या कर रहा है, वो ब्रिक्स को यहां पर स्टिक करा रहा है, चिपका रहा है, अरेंज कर रहा है जिससे दीवार तैयार हो रही है। ये एक घंटे में 1000 ईंटें चिपकाने का, ब्रिक्स को पेस्ट करने का मसाला तैयार कर लेता है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बिल्डिंग बनने का रेट क्या होगा, 1000 ब्रिक्स पर आर, राइट? एक घंटे में 1000 ईंटों को बनाने का मसाला तैयार कर लेता है, इसके अकॉर्डिंग रेट क्या होगा, 1000 ब्रिक्स पर आर। लेकिन ये महोदय एक घंटे में केवल यहां पर 50 ब्रिक्स को ही पेस्ट कर पाते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग रेट क्या होगा बिल्डिंग बनने का, 50 ब्रिक्स पर आर, राइट? अब ये बताओ ओवरऑल रेट क्या होगा बिल्डिंग बनने का, मसाला इकट्ठे करते जाओ इकट्ठा करते जाओ, कोई फायदा होगा उससे, बिल्डिंग तो बन नहीं पाएगी क्योंकि ये बंदा तो स्लो है ना। तो बिल्डिंग बनने का जो रेट माना जाएगा वो 50 ब्रिक्स पर आर ही माना जाएगा। बजे आप समझ में आ ही रहा होगा आपको, क्योंकि बिल्डिंग तो तभी तैयार होगी ना जब ब्रिक्स यहां पर स्टिक कर जाएंगी, चिपक जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी, तो वो उसके अकॉर्डिंग अगर रेट देखें तो कितना होगा, 50 ब्रिक्स पर आर ही होगा। तो ये स्लो स्टेप है। अच्छा, अब आप चेक करो, ये स्लो है ये फास्ट है, हम चाहते हैं बिल्डिंग बनने का रेट बढ़ जाए थोड़ा सा,
हमने एक और ए नाम का बंदा भेज दिया, ए की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, एक घंटे में 2000 ईंटों का मसाला तैयार होने लगा। क्या बिल्डिंग बनने का रेट बढ़ा? नहीं। जो जो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बी नाम का एक और बंदा भेज दें तो रेट बढ़ जाएगा, 100 ब्रिक्स पर आर हो जाएगा। यानी जो जो मॉलिक्यूल्स स्लो स्टेप में होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शंस में ही होता है। फास्ट स्टेप जो चल रहा है उसमें चीजें इकट्ठी होती जाएंगी, तेजी से बन जाएंगी और वो फास्ट स्टेप खत्म हो जाएगा। और रिएक्शन तो तब मानी जाएगी कि हो गई है जब पूरी तरीके से प्रोडक्ट बन जाए, और वो किससे बनता है? वो स्लो स्टेप से ही बनता है। जैसे कि यहां पर ये वाला स्टेप स्लो था, ये फास्ट था, मतलब ये इंटरमीडिएट बने, ये बने, ये तो चलो प्रोडक्ट है, ये इंटरमीडिएट बना और बहुत धीरे धीरे बना, जैसे ही बना वैसे रिएक्शन हो गई, तो ये तो फास्ट है। सीओ की कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दोगे तो कोई फायदा तो होना नहीं, वो जो रिएक्शन लिखी हुई थी पूरी उसमें सीओ था, अगर आप सीओ की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दोगे तो कोई फायदा नहीं होना, क्योंकि NO3 नहीं मिलने वाला है। जब तक NO3 नहीं मिलेगा तब तक सीओ रिएक्ट नहीं करेगा। सीओ बढ़ाते जाओ इकट्ठा होता चला जाएगा। रेट किस पर डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड करेगा इन पे। जब ये बढ़ाओगे तो ज्यादा NO3 बनेगा, ज्यादा NO3 बनेगा तो फिर वो ज्यादा सीओ से रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स को बनाएगा। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम ऑर्डर स्लो स्टेप से क्यों मानते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, मींस एक से ज़्यादा स्टेप्स में चलती है, तो हर जो स्टेप्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शंस कहते हैं, और जो रिएक्शन का रेट माना जाता है वो स्लोएस्ट स्टेप के रेट को मानते हैं, और जो रिएक्शन का रेट अगर बढ़ाना है तो आपको स्लोएस्ट स्टेप में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तभी रेट यहाँ पर बढ़ पाएगा। यहाँ से क्वेश्चंस दो टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस दो टाइप के ऐसे आते हैं। एक तो ये कि आपसे कहेंगे ये रिएक्शन है, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन है। जैसे हमने कहा था 2N2O5 गिब्स 4NO2 प्लस O2 और R इज इक्वल टू लिख दिया था K N2O5 की पावर 1, और फिर आपको चार ऑप्शन दिए, चार मैकेनिज्म दे दी और आपसे कहा बताइए इनमें से कौन सी मैकेनिज्म मोस्ट एक्सेप्टेबल है, तो जो वो उस रेट लॉ एक्सप्रेशन को जस्टिफाई कर दे वो वाली एक्सेप्टेबल होगी, तो वो आप चेक कर लेंगे। अच्छा, दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये क्वेश्चन दिया, ये रिएक्शन दी, और ये रिएक्शन को बताया कि ये दो स्टेप्स में चलती है, ये इस तरीके से चलती है, और आपसे कहा गया गिव रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको क्या करना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन देना है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम देते कहाँ से हैं, ये बात आपको पता है कि हम स्लो स्टेप से देते हैं। पहला स्टेप फास्ट है, दूसरा स्टेप स्लो है, तो हम दूसरे स्टेप के पास जाएंगे। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिख रहे हैं, तो फ्रॉम स्लो, स्लोएस्ट मतलब अगर दो से ज़्यादा होते तो कोई स्लो होता, कोई फास्ट होता, फिर कोई और स्लो होता, तो स्लोएस्ट लिखा जाता है। फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप जो रेट आएगा वो प्रोपोर्शनल टू, या प्रोपोर्शनल टू का झंझट ही खत्म करो, आप क्या करो, K1 लिखा है, K1 और रिएक्टेंट में क्या है, NO3 इंटू NO। अब आपको लग रहा होगा इतना सिंपल क्वेश्चन, हो गई बात खत्म? अभी बात खत्म नहीं हुई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां NO3 है और क्या है, NO है, जबकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में कहीं पर भी NO3 नहीं है। इसका मतलब NO3 रिएक्शन के बीच में कहीं पे बनता होगा, राइट? रेट लॉ एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट कभी नहीं लिया जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट्स आ सकते हैं और प्रोडक्ट्स आ सकते हैं। तो NO तो रिएक्टेंट है, बट NO3 रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कुछ भी नहीं है, तो इसको कराना पड़ेगा रिप्लेस। कैसे रिप्लेस कराएंगे? तब आप कहेंगे फ्रॉम फास्ट स्टेप या स्टेप वन, इसको आप इक्विलिब्रियम में मान लेंगे क्योंकि तो बहुत फास्ट है, तो इस तरीके से आप करेंगे। देखिए ये है, तो आप क्या कहेंगे, K- इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे भी आप लिखा करते थे, ऊपर क्या आता था, प्रोडक्ट
नीचे क्या आता था, रिएक्टेंट इंटू ओ टू। यहां से आप क्या करेंगे, एनओ थ्री को फाइंड कर लेंगे। तो एनओ थ्री जिसको हमें रिप्लेस कराना है यहां से, क्या बनेगा, के डैश इंटू एनओ टू इंटू क्या आएगा यहां पर, ओ टू। ये आ गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर टू मान लिया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान दें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ NO3 जो इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन इक्वेशन वन। जब ऐसा हम करेंगे तो R इज इक्वल टू के डैश के वन, NO3 की जगह क्या रखोगे, इंटू के डैश NO3 की जगह पूरा ये आ जाएगा NO2 O2 इंटू फिर यहां पर क्या है NO, इस तरीके से। जब ये करेंगे हम तो आगे चेक करें, R इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है शायद, NO3 नहीं, ठीक है, सही है, NO3। अब रेट क्या हो जाएगा, K1 और K डैश जो हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई क्या होगी, कांस्टेंट, क्या निकल के आएगा, बेटा यहां पे एनओ होगा, ये एनओ होगा, तभी गड़बड़ हो रहा था, ये एनओ है, ठीक है, ये यहां पर जो मैकेनिज्म दी गई है यहां पे ये एनओ होगा। अब चेक कर लें आप, एनओ थ्री ये बनेगा, जब ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, के वन के डैश को हम क्या मान लेंगे, के, और ये हो जाएगा एनओ की पावर टू और ये हो जाएगा ओ टू, तो ये आएगा निकल के रेट लॉ एक्सप्रेशन इस इक्वेशन का, राइट, ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। एक क्वेश्चन आप यहां से कम करके देखो तभी समझ में आएगा, लिखिएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन टेक्स प्लेस बाई फॉलोइंग रिएक्शन। ओजोन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो 2O2O3 गिब्स 3O2 ये होता है। अब इसकी हम मैकेनिज्म दे रहे हैं, मैकेनिज्म में हमने बताया O3 ये टूटता है पहले O2 प्लस O, ऐसे इसको इक्विलिब्रियम में मान लिया गया, के डैश ले लिया, ये स्टेप हमने फास्ट बता दिया, और फिर क्या कहा, जो O3 का दूसरा मॉलिक्यूल है उसके साथ O कंबाइन करता है और फिर बनाता है 2O2, और ये स्टेप यहाँ का स्लो स्टेप है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, गिब रेट लॉ एक्सप्रेशन। वीडियो पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप रेट लॉ एक्सप्रेशन ड्राइव करिए और फिर मेरे साथ जुड़िए। देखिए बेटा कहाँ से बात की जाएगी, बात की जाएगी फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप, और स्लोएस्ट स्टेप है क्या, देखो ये है स्लोएस्ट स्टेप। तो यहां से अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ले लिया हमने यहां पर, यहां K1 ले लेते हैं, यहां K2 ले लेते हैं, तो ये आएगा K2 O3 इंटू O, इनको ले लिया, लेकिन आपको दिख रहा है O3 तो है रिएक्टेंट, O ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, इसका मतलब O को रिप्लेस कराना पड़ेगा। तो आप जाएंगे फास्ट स्टेप के पास, फ्रॉम फास्ट स्टेप क्या कहेंगे, K1 इज इक्वल टू O2 इंटू O अपॉन O3। यहां से आप निकाल लें O की कंसंट्रेशन, तो O कितना बनेगा, K1 O3 अपॉन O2, ये 2 मान लिया, फ्रॉम
वन एंड टू, एक और दो से, जो ओ की ये वैल्यू है वो हम इक्वेशन वन में पुट करेंगे, तो रेट इज इक्वल टू के टू ओ थ्री, और ओ की जगह आएगा इंटू के वन ओ थ्री अपॉन ओ टू। रेट इज इक्वल टू आएगा के वन और के टू की मल्टीप्लाई के ले ली, ओ थ्री की पावर टू, और साथ में जो ओ टू होगा उसकी कंसंट्रेशन की पावर माइनस वन आ रहा है। ये होता है रेट लॉ एक्सप्रेशन। तभी तो आपसे कहा था कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में माइनस में भी हो सकता है, जब आपको मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंसेस बताए थे। समझिएगा बेटा, भाई कहा जाता है कि ओजोन का डिप्लीशन नहीं होना चाहिए, अगर ओजोन का डिप्लीशन हो गया तो ओजोन का डिप्लीशन होने से कुछ खतरे होते हैं ना, कुछ डेंजरस थिंग्स होती हैं, आपको पता होगा पोल्यूशन या कुछ अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह आएंगी और वो हमको हार्म करेंगी। तो कहा जाता है कि पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाइए, जिससे ओजोन का डिप्लीशन कम हो जाएगा। देखो, अगर पेड़ लगाएंगे ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो जो ओजोन के डिप्लीट होने का रेट है वो कम होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ओजोन का डिप्लीशन। तो ये है रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, एक्चुअली हमने हेडिंग डाली थी मॉलिकुलरिटी, आपको मॉलिकुलरिटी की डेफिनेशन लिखाई गई, आपको मॉलिकुलरिटी पढ़ाई गई पूरी, मॉलिकुलरिटी आपके समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने आपको रिएक्शन मैकेनिज्म बताई। अच्छा, रिएक्शन मैकेनिज्म होती क्या है, रिएक्शन कैसे चलती है, किस पर रेट डिपेंड करेगा, किस पर नहीं डिपेंड करेगा, ये समझने के लिए रिएक्शन को जब हम डिटेल में स्टेप वाइज एलिमेंट्री रिएक्शंस के थ्रू पढ़ते हैं तब जो पूरा स्केच बनता है दैट इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। आप चाहें तो रिएक्शन मैकेनिज्म की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। आप डेफिनेशन में लिखिएगा, स्टडी ऑफ रिएक्शन थ्रू ऑल एलिमेंट्री रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक भी हो गया, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, जो फैक्टर चल रहा है वो कंसंट्रेशन चल रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो कंसंट्रेशन फैक्टर से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं। कंसंट्रेशन फैक्टर से रिलेटेड एक टॉपिक यहां पर रह गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब टॉपिक है स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस या स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस। स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस या स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस डालेंगे आप लोग हेडिंग। तो बेटा टॉपिक है स्यूडो मॉलिकुलर रिएक्शंस या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। पी साइलेंट है तो मार्कर भी उसको साइलेंट ही करना चाह रहा है। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस या स्यूडो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शंस हैं या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस हैं, मतलब समझाते हैं हम अभी आपको। एग्जांपल लेते हैं, एक CH3COOC2H5, ये इथाइल एसिटेट है, एक्वस मतलब पानी है यहां पर सॉल्वेंट, प्लस H2O लिक्विड सॉल्वेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव ये रिएक्शन एसिड कैटलाइज्ड होती है, मतलब इस रिएक्शन को हम कहेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट। यहां बनता है CH3COOH एक्वस प्लस C2H5OH एक्वस, ये है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट। अगर यहां पर हम देखें, ध्यान दीजिएगा, दो मॉलिक्यूल्स ये हैं, तो अगर इस ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है,
कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मॉलिकुलरिटी तो दो होनी होनी है, मॉलिकुलरिटी दो होनी है। तो अगर हम एक ही स्टेप में चलती है तो यहां से अगर हम रिएक्शन, यहां से अगर हम रेट ऑर्डर, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने का प्रयास करें तो रेट क्या निकल के आएगा, के कंसंट्रेशन किसकी, सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव और साथ में किसकी कंसंट्रेशन आएगी, एच टू ओ। अच्छा ये सेकेंड ऑर्डर बन रही है तो हमने यहां के सेकेंड लिख दिया ऐसे करके, मतलब ये अभी सेकेंड ऑर्डर हमें दिखाई दे रही है लेकिन सच्चाई ये होती है कि ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर दिख तो रही है लेकिन प्रैक्टिकली ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है। कंसंट्रेशन ऑफ H2O पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता है। क्यों, वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि H2O यहां पर सॉल्वेंट है, H2O सॉल्वेंट होने की वजह से एक्सेस में होता है और जो चीज एक्सेस में होता है अगर थोड़ी बहुत कंज्यूम हो जाएगी तो भी उसकी कंसंट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं होती है इसलिए इसकी वजह से रेट पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। मतलब आप H2O थोड़ा निकाल लोगे वहां से या थोड़ा डाल दोगे वहां पे तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये चीज जो होती है वो कांस्टेंट होती है, लगभग कांस्टेंट रहती है। तो ये कांस्टेंट मिला करके हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ले लेंगे। अब ये कांस्टेंट हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का और क्या आएगा, सी एस थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव इस तरीके से। तो ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। अब रिएक्शन ये कौन से ऑर्डर की हो गई, फर्स्ट ऑर्डर, एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर नहीं, कौन से रिएक्शन की, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो कहा जाता है डेफिनेशन ये होगी, द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है। अगर H2O की कंसंट्रेशन बहुत कम होती तो H2O पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता, तब ये सेकेंड ऑर्डर होती। द रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो मतलब फॉल्स हो गया, फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हो गई। एग्जाम्पल फिर आप देंगे, पहले आप ये डेफिनेशन लिखेंगे फिर एग्जाम्पल मेरे आप लिखेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट, फिर उसमें आप ये चीज बताएंगे, वॉटर इज इन एक्सेस, इट्स कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट विद टाइम, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर, और रिएक्शन कैसी हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर की। तो ये होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्यों कहते हैं, स्यूडो यूनिमोलिकुलर भी मतलब एक मॉलिक्यूल क्या है, यहां पर स्यूडो है, फॉल्स है, उस पर रेट डिपेंड नहीं करता है। या अगर कोई कहे स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जहां मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर अलग अलग होता है वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। भाई फर्स्ट नहीं लगाया, यूनी नहीं लगाया, अगर फर्स्ट और यूनी लगा दिया तब तो हम ये कहेंगे कि ऐसी रिएक्शंस जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी बट फर्स्ट ऑर्डर हो गई किसी वजह से तो उनको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शंस फॉर विच मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर इज डिफरेंट आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। अच्छा ऐसी तो हजारों रिएक्शंस हैं जहां पर मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर अलग अलग है। एक्चुअली मैं उस रिएक्शन की बात कर रहा हूं जो सिंपल है, जो कॉम्प्लेक्स नहीं है, जो सिंपल या कॉम्प्लेक्स नहीं है वहां पर ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी सेम होने चाहिए। कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक ही स्टेप में चल रही है तो वही स्लो माना जाएगा, वही स्लो माना जाएगा तो मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर दोनों बराबर ही आएंगे निकल के। तो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, सिंपल है, तो आप कहेंगे द सिंपल रिएक्शंस फॉर विच ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी इज डिफरेंट आर कॉल्ड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। अगर स्यूडो ऑर्डर लिखना पड़े तो, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर लिखना पड़े तो, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर ही है आपके कोर्स में तो मैंने आपको पूरी डेफिनेशन लिखा दी। इसके अलावा एक चीज आप और भी यहां पर याद रखेंगे, अगर इसी का हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं इस तरीके से CH3COOC2H5 और यहां NaOH लेते हैं तो फिर ये रिएक्शन यहां पर सेकेंड ऑर्डर होती है।
ये अलग से एग्जाम्पल नोट करिएगा, ये है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसिटेट, तो यहां बनेगा CH3COONa+C2H5OH, और यहां जो रेट आएगा वो अनडाउटेडली के, ये के जो भी है सेकेंड ऑर्डर का होगा, CH3COOC2H5 इस पर डिपेंड करेगा, इनटू किस पर डिपेंड करेगा, NaOH की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये रिएक्शन जो होती है ये सेकेंड ऑर्डर की होती है। बेटा जी मुबारक हो, कंसंट्रेशन फैक्टर खत्म हो चुका है, कंसंट्रेशन फैक्टर बहुत लंबा चला, अब हमें जो नेक्स्ट फैक्टर पढ़ना है वो टेम्परेचर का होगा, इससे आधा भी नहीं होगा टेम्परेचर वाला फैक्टर, और उसके बाद तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। कैटलिस्ट या बाकी के फैक्टर्स हैं वो चार छः लाइन में खत्म होने वाले हैं सारे फैक्टर्स। तो बात करेंगे हम अब जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है उसकी नेक्स्ट लेक्चर में। अगर सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अटेंडेंस दीजिए कमेंट में, और इसके अलावा अगर अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।